नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और इस समय मैं बस्ती के ऑडिटोरियम में हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था जिसका नाम है मिलेट्स मेला और मिलेट्स रेसिपी कार्यक्रम प्रतियोगिता। तो इस समय हमारे इस पंडाल में बहुत सारे स्कूलों ने रेसिपी प्रदर्शित कर रखा था और इस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने विजिट भी किया, उन्होंने चखे भी। अभी मैं बस्ती के आवास विकास कॉलोनी स्थित डॉन वास्को स्कूल के स्टॉल पर हूँ। यहाँ पर बच्चों ने जो मिलेट्स हैं जिसमें सावा, कोदो, रागी, ज्वार, बाजरा, जेठी, चेना, बहुत सारी ऐसी जो वैरायटी किस्में हैं मिलेट्स की, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट रेसिपी बनाए थे। आइए जानते हैं वो रेसिपी क्या थी और कैसे हमारे सेहत के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। तो मैं एक बच्ची से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मिलेट्स के रेसिपी तैयार किए थे आपने, कैसे तैयार किए थे और उसके सेहत पर यानी हमारे हेल्थ पर क्या फ़ायदे हैं? सर, मैं सावा की खीर बनाई थी। पहले मैंने दूध को बॉईल किया था, उसके बाद हमने उस सावा को उबाल के रखा हुआ था, उसको हम दूध में उसको सावा को डाला, उसके बाद हम चीनी और ड्राई फ्रूट्स जो भी हमारे पास थे वो सब डाले और डेकोरेशन के लिए हम बाद में उसमें मतलब और भी ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और सर, इससे हम जैसे पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो लोग ये सावा और ये सावा बहुत खाते थे क्योंकि उनके सेहत पे ये बहुत फ़ायदा करता था। आजकल जो लोग ये सब पहले बहुत खाया करते थे वो लोग आजकल 80-90 साल तक जीवित रह रहे हैं। तो अभी इसके अलावा भी तमाम आपने प्रोडक्ट बनाए थे और कौन कौन से रेसिपी आपने की थी, साझा की? हमने ब्रेड टोस्ट बनाए थे, ओट्स बनाए थे, ये सब मेनली बाजरा के थे और स्पेशली हमने बाजरा का पिज्ज़ा बनाया था, बहुत सारी अच्छी अच्छी पकौड़ी और मतलब जो हम लोग नाश्ते में डेली खाते हैं शाम को, ऐसी चीज़ें हमने बहुत सारी बनाई थी। जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं पिज्ज़ा या फिर ब्रेड होता है तो हम कहते हैं कि उसमें मैदा है तो वो हमें नुकसान करता है, लेकिन जब उसी में हमने बाजरे को भी इंक्लूड कर दिया तो दोनों बैलेंस हो गया, तो ना ज़्यादा नुकसान है और ना ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये बच्चे भी खा सकते हैं, बुड्ढों के लिए भी, मतलब हर कोई खा सकता है। तो भी आपके स्टॉल पर बस्ती के जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ और बहुत सारे राजनेता आए थे, क्या जो आपने मिलेट के रेसिपी बनाई थी, पकवान बनाया था, उन्होंने चखे? हाँ जी, उनको बहुत अच्छे लगे। फीडबैक कैसा था? हाँ, उनका बहुत अच्छे लगे। वो यही मतलब कह रहे थे कि कैसे मतलब इतना अच्छे से बैलेंस है और बहुत सारी हमने अलग अलग रेसिपी बनाई, उनको लगभग सब अच्छे लगे। तो भारत सरकार के पहल से साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया, पूरी दुनिया में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा मिला। सावा, कोदो, टांगून, काकुन, रागी, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, जेठी, चेना, ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो मिलेट्स की अंतर्गत आते हैं। और हाल ही में G20 का जो सम्मेलन हुआ, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पूसा के कंपाउंड में इसकी रेसिपी के पकवान चखे थे, उसी कड़ी का एक हिस्सा था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत मिलेट रेसिपी कार्यक्रम की प्रतियोगिता आयोजित की थी। हमारे साथ डॉन वास्को के बच्चे थे, उन्होंने अपने मिलेट्स के रेसिपी शेयर किए। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।